कोरोना और चीन दोनों ही दुनिया के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। अभी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से दुनिया निपट भी नहीं पाई है कि कोरोना का नया वेरिएंट पैदा हो गया, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक, यानी तेजी से फैलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे चीन अपने विस्तारवाद की नीति को फैलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। ऐसे में आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से हम आपको खबरदार तो करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस पूरे खेल में शी जिनपिंग की गर्दन बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये क्या है। तो पहला सवाल यही है कि कोरोना का ये वेरिएंट कहां से आया है। WHO को इस वेरिएंट के पहले मामले की जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली थी। इसके अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इसराइल में भी इसके वेरिएंट की पहचान हुई है। इन देशों में दुनिया भर के इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। ऐसे में सवाल है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से कितना ताकतवर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशन मिले थे, जबकि ओमिक्रॉन में 30 से ज्यादा म्यूटेंट मिले हैं, जो इसे डेल्टा से बहुत ज्यादा संक्रामक बनाते हैं, जिसकी वजह से अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा पैदा है, क्योंकि यह डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर है। शुरुआती स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% तक कम प्रभावी हो सकता है। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वेरिएंट तेजी से अपनी नकल तैयार करता है, जिसके चलते वैक्सीन के खिलाफ इस वेरिएंट के पास ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को दोबारा से नाकेबंदी के फैसले पर आने को मजबूर कर दिया है। लेकिन इस बीच इस विवाद में वेरिएंट के नामकरण को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। इसका कारण है कि वेरिएंट के नामकरण के क्रम को तोड़ना। दरअसल WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता है। WHO अब तक 13 वेरिएंट्स को ग्रीक लेटर्स का नाम दे चुका है, लेकिन इस नए वेरिएंट को जो ग्रीक नाम यानी कि ओमिक्रॉन दिया गया, वो ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है। यानी कि WHO ने इससे पहले आने वाले 2 लेटर्स का नाम किसी भी वेरिएंट को नहीं दिया। ये दोनों छोड़े गए लेटर्स हैं NU यानी कि न्यू और XI यानी कि शी। WHO पर आरोप लग रहा है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के नाम से समानता की वजह से इस लेटर को छोड़ दिया गया है, लेकिन अब यही वजह है कि इसमें चीनी राष्ट्रपति का नाम घसीट लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।